जब से ऐजान को किले में लाया गया मेरे बुरे सपने बंद हो गए। मैंने हुक्म दिया है कि निकाह का जश्न पूनम की रात को होगा। पर यह उसूलों के खिलाफ है, उसने आपके हुक्म की मुखालफत की। यहां पर कायदे मैं बनाता हूं। मैंने सुना है कि आपने मेहंगू तैमूर को उसकी गद्दारी की बहुत छोटी सजा दी है। गद्दारी के लिए मैं जान भी ले सकता था, बगावत करने वाले गुलाम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये तुम्हें कहा था ना मुझसे, रूसियों पर धावा बोलना अभी गलत नहीं होगा। पर जहां पना उसने आपकी हुक्मदोली की है। मेहंगू तैमूर बिगड़े हुए और ढीठ हैं, पर वो बेवकूफ नहीं है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। आपके पास नोगोई है, वो बहादुर है और सेना उसका इस्तकबाल करती है। चंगेज ने कहा था बस तीन चीजों पर भरोसा करना, तुम्हारे घोड़े पर, तुम्हारी तलवार पर और बुरे सपने पर। ये बात जाहिर है कि तुमने कभी घर के कामों में हाथ नहीं बटाया। जब मैं छोटी थी मेरी मां गुजर गई थी, मुझे वो याद तक नहीं, और मेरे अब्बू ने कभी कुछ करने नहीं दिया। मेरे भाइयों और नौकरों ने ही मेरे सारे काम किए जब वो जिंदा थे। तुमने बहुत परेशानियों का सामना किया है। मुझे एक बात बताओ, निकाह के जश्न में क्या होगा? मुल्ला एक पराठा खाएंगे और तुम्हें खान की बेगम घोषित करेंगे। उनकी बेगमें तुम्हें तोहफे देंगी और मेहमानों के लिए कार्यक्रम शुरू होगा और तुम्हें निकाह के लिए लाया जाएगा। फिर खान तुम्हें अपना बनाएंगे। वो बूढ़े हैं, तुम्हें ज्यादा देर सहना नहीं पड़ेगा। तीर कमान हौर्दे के अहम हथियार हैं। तुम सबके पास तीन तीर हैं, और जो भी इस आदमी के सर के ऊपर लगे सिक्के को गिराएगा वो इसकी जान बचाएगा। जाओ। क्या तुमने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है? मैं सुन रही हूं। आपको शुक्रिया कहना चाहती थी मेरी रानी साहिबा। किस लिए? आपके सबक के लिए। और खुदा मेरी जान ले ले अगर मैंने वापस मेरी इज्जत दांव पर लगाई। लगता है तुम उतनी बेवकूफ नहीं हो जितना शुरुआत में लगती थी। मैं उन्हें आदेश दूंगी कि तुम्हें खाना खिलाएं। रानी साहिबा, अब क्या है? मैं अपनी पोशाक वापस लेना चाहूंगी और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे एक नाम देंगी जिसका यहां कुछ मतलब हो हृदय में।
मैं इस बारे में सोचूंगी। व्लादिमीर और मैं यहाँ पे गुलेल ले जाएंगे, तुम और एरेमी यहाँ सुजदल की तरफ खड़े हो जाना। मैं अपनी सेना के साथ सुजदल से आगे बढ़ सकता हूँ। उन पलोवसियन के सामने तीन राजकुमारों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बेइज्जती महसूस होगी। तुम सुजदल जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो संदेशा भिजवा दूंगा। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ बहुत वक्त से रह रहा हूँ, तुम्हें भगा नहीं रहा हूं। नवगोरद में संदेश भेजो कि वो लोग भी अपनी तैयारियां कर लें। अपनी सेना तैयार कर लो एरेमी, हमें जल्दी निकलना है। एलेक्सी, सेना को तैयार करो। एरेमी, क्या यह सच है तातर लड़की को शहंशाह ने खुद के लिए रख लिया है? तुम्हें जलन हो रही है? शहंशाह ने मेरी जान बचाई थी तोरजोक के युद्ध में। वो आखिरी इंसान होगा जिस पर मुझे औरत की वजह से चिढ़ होगी। पस्कोव से पादरी यहां आ गए हैं। वो उनकी शादी करवा के फिलारेट को कुछ ना बताने के लिए राजी हो गए हैं। ये लो, उसे दे देना। उसे जल्दी करने के लिए कहो। क्या तुमने एरेमी को यह बताया? अब तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है वो मान जाएंगे और फिर हम लड़की को इसमें शामिल करेंगे। स्टेशा, मुझे शहंशाह की मर्जी के खिलाफ जाने में डर लग रहा है। ये तो उन्हीं के अच्छे के लिए है रानी साहिबा। उस जादूगरनी ने शहंशाह पर जादू टोना किया है। एक वफादार बेगम होने के नाते आपको कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो। ध्यान देना, ये सब किसी को पता ना चले। जरूर रानी साहिबा। हाँ, कौन है? आओ अंदर आओ। अरे एरेमी, बताओ क्या हुआ? शहंशाह, उस दिन हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, बोलो, सुन रहा हूं। आपने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया उस तातर लड़की के बारे में। हमें अभी सेना लेकर निकलना है और तुम्हें लड़कियां सूझ रही हैं। लौटने के बाद मैं फैसला दूंगा। अगर वापस नहीं लौटे तो? और अगर मैं वापस नहीं आया तो मैं कम से कम उसे अपनी बेगम तो बना ही सकता हूं। कम से कम एक बेवा को समाज में इज्जत तो मिलेगी। और क्या मैं ये समझूं कि उस लड़की को तुम्हारे साथ नहीं रहना? क्योंकि उसने उम्मीद रखी हुई है शहंशाह। कैसी उम्मीद है उसे? क्या आप उसे संभालेंगे? आप उस लड़की को क्या देंगे शहंशाह? नरगिस को मेरे लिए छोड़ दीजिए। नहीं हो सकता रेमी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा और ना तुम्हें करने दूंगा। चलो जाओ, हो गई हमारी बातें। मेरोन,
चाहिए शहंशाह। एक तिहाई सेना हर वक्त मस्जिद के इर्द गिर्द होनी चाहिए। अगर शहर में कोई गड़बड़ हुई तो याद रखो, वो सैकड़ों लोगों को यहां भेज देंगे। अब ध्यान से सुनो, हम उनसे यहां मिलेंगे और उनके घोड़े और हथियारों को ले लेंगे। हम रूसी कम हैं और वो अपने छुपने की जगह को कभी भी जोखिम में नहीं डालेंगे। वो लोग भी हमारी तरह गुलाम हैं। उनमें से बहुत से लोग हर वक्त घर जाने का सपना देखते हैं। इवान आगा, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ बख्तियार। मेरा रिश्तेदार निकिता होर्दे आ चुका है मेंगूर तैमूर के दूत के साथ। उस कलाकार लड़के ने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी, मैंने उनमें से उसे पहचान लिया। मुझे याद है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं उसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप कोई इंतजाम कर सकते हैं? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये शर्मनाक फरियाद लेकर किसके पास जाऊं। बख्तियार, शायद मैं और वो दोबारा कभी एक दूसरे से मिल ना सके। रहम करो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। उश खातून ने ये पोशाक तुम्हारे लिए भेजे हैं। ये लो, ये सब रख लो। मैं होती तो अपने हाथों से उस नाकिन का गला घोंट देती। दोबारा अपनी गंदी जुबान मेरे सामने मत चलाना, समझी तुम? खान मेंगो और उनकी मां के बारे में जल्दी करो। निशानेबाज कहाँ है? लगता है दोबारा पर्दों के पीछे छिप गया। तुम खुशकिस्मत हो। क्या तुम्हारा मददगार हमेशा बीमारों की मदद करता है? तुम्हारे योद्धा कितने माहिर हैं? अगर एक बीमार आदमी उन्हें मिट्टी में मिला दे तो उसे छोड़ दो। तुलाई, तुम्हारा अपना वो कारीगर तुमसे बात करना चाहता है। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर तुम उसका नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। इवान तिमोफेव, उसे होर्दे ले जाया गया था कुछ सालों पहले। तुम बेकार में उम्मीद लगा रहे हो। वो कायर बख्तियार तुम्हारी दरख्वास्त कब का भूल चुका होगा। वो बस खुद के बारे में सोचता है।
चुप हो जाओ बदतमीज। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि बख्तियार का दिल कितना बड़ा है और रहम से भरा है। सलाम इवान। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये मेरे भाई हैं। आप सभी को भी मेरा सलाम। मैं हूं निकिता, इसका भाई। मुझे लगा तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए था, समझे तुम? मुझे बुलाया गया था तो मैं और कर भी क्या सकता था। मेरे बच्चे कैसे हैं? ये गोर बहुत बड़ा हो चुका है। घर की आधी जिम्मेदारी उसके सर पर है। वो तुम्हें याद करता है हर रोज। साशा का पैर अब ठीक हो गया है। वो यहाँ वहाँ भागता रहता है और शरारत करता है। आखिर तुम उन लोगों को कैसे संभाल पाते हो? क्या वो अच्छे से पेश आते हैं? सब ठीक है, तुमने जो सिखाया है वो काम आ रहा है। वक्त हो चुका। आज खान एक लड़की को चुनने वाले हैं जिसके साथ वो अपनी रात बिताएंगे। अगर खान ने तुम्हें पूर्णिमा की रात तक रुमाल नहीं दिया तो वो तुम्हें भेड़ बकरियां संभालने भेज देंगे या फिर नमक के खदान में। जल्दी करो। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ ताकि तुम्हारी गोरे हाथों को कभी नमक और ऊन ना छूना पड़े रानी साहिबा। आपकी अंगूठी कहाँ गई? कौन सी अंगूठी? आपके निकाह की अंगूठी। वो अंगूठी जो आपको निकाह के वक्त मिली थी, वही जो सुजदल के शहंशाह ने आपकी उंगली में पहनाई थी। मेरा कोई शौहर नहीं है। उसे यहां पर ले आओ। छोड़ो चुड़ैल कहीं की। थोड़ा जल्दी करो। महान शहंशाह तुम्हें करने के लिए सजा देंगे। जाने दो मुझे, जाने दो। उस लड़की को जाने दो। शहनशाह ने तुमसे पूछा है क्या तुम एरिमी की बेगम बनना चाहोगी? नहीं, कभी नहीं। इसके साथ जबरदस्ती मत करो, यह हमारे शहनशाह का हुक्म है। अगर तुम एरिमी से शादी करने से मना करोगी तो तुम्हें गिरोहों के बीच भेज दिया जाएगा और वहां दासी बनने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आप बताओ क्या जवाब है? मैं चली जाऊंगी।
नरगिस ने राजा को चुना है। इस सफर में उसकी जो भी जरूरतें हैं पूरी होनी चाहिए, और जो उसका ध्यान रखेंगे उन्हें अच्छे से तोहफों से नवाजा जाए। और उनसे कहना इस नई लड़की की नई जिंदगी का शहंशाह खुद साथ देना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए शहंशाह, मैं सब कर दूंगा। आपको इसकी जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम यहां क्या कर रही हो? आपसे अलविदा कहने आई हूं। आपके हुक्म का पालन करूंगी, भले मेरा दिल ना मान रहा हो। लेकिन यहां से जाने से पहले मेरी एक इच्छा है। हाँ कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे शहंशाह, मैं किसी से नहीं डरती। चली जाओ, तुम्हें यहां पर नहीं होना चाहिए। जाओ। सुना है राजकुमार और एक सेना आगे बढ़ाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इतने सालों में पहली बार अपने जवानी के दिनों की तरह युद्ध पे जाने की इच्छा है। सब भुला देना चाहता हूं, बस अपने घोड़े पर सवार। कौन है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, जो तुम जंग के सहारे भूलना चाहते हो? है कोई? वो लड़की। आंखें बंद करता हूं तो उसी का चेहरा दिखता है, उसी की हंसी। या तो लापरवाह बच्चे ऐसा हंसते हैं, या फिर परियां, जैसे जिंदगी एक अनंत जश्न है। मन में कोई भी दर्द या फिर डर लिए बिना ना कोई जलन और ना ही कोई दगा। क्या महान राजकुमार वो
तातर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। कह दीजिए ना कि मैं एक पापी हूं, कि मेरी जगह यहां नहीं जहन्नुम में है। तुम्हारी जगह पर हर इंसान पाप के बहकावे में आ ही जाता है, पर तुम तुम्हारे वालिद के बहुत पसंदीदा बेटे हो, एक बहादुर योद्धा, रूसी लोगों के रक्षक। तुम शैतान के बहकावे से खुद को बचाओगे और बिल्कुल सही फैसला लोगे। कौन सा फैसला? तुम्हें पता है कौन सा? तुम अपनी रूह को बचा सकते हो और उसे लोगों के गुस्से और कयामत से बचा सकते हो। मुझे लगा कि यहां एक दूल्हा होगा, इसीलिए लोग तुम्हें प्यार करते हैं। तुम आम आदमी बन के बहुत मेहनत करते हो, एक सैनिक की तरह। कभी कभार तुम भी अपने घोड़े की देखभाल कर लिया करो, उसके आगे वाला दाहिना पैर आजकल लड़खड़ाने लग गया है। किस लिए? तुमने मुझे घर बार संभालने के लिए छोड़ दिया, एक बीमार आदमी की तरह। तुम्हें सुसदल जाना है कि नहीं? क्योंकि जब दुश्मन आ रहा हो तो रियासत में बादशाहत कायम करने के लिए कोई होना चाहिए। मुझे लगता है भाई, सुसदल के आदमियों के लिए मैं ज्यादा बेहतर हूं उस पोलो वेस्टियन से। लोग मुझसे अच्छे से पेश नहीं आते। मैंने 30,000 लोगों को पोलो वेस्टियन की गुलामी से बचाया और मैं हमेशा के लिए एक खलनायक बन गया। तुम पहले थे जिसने मुझे नकारा। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या? अब एक नई जमीन ला के दूं क्या तुम्हें, या फिर अपनी सेना के साथ मैं खुद तुम्हें सुसदल तक छोड़ के आऊं और यहां पर इस गद्दी पे तुम्हें बिठाऊं? मुझे क्या करना होगा बताओ। सुसदल जाओ और पछताओ, लोगों को अपना सारा सच बता के वहीं पे अपनी सजा काटो। उनसे कह दो कि तुम अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे, वहां के लोग समझेंगे और राजद्रोहियों को भी सबक मिल जाएगा। अगर तुम्हारी सेना तुम्हारे खिलाफ हुई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अपनी आवाज और अपनी तलवार से। पर हर रोज मैं उनका गुस्सा झेलूं और डरता रहूं कि कोई गुलाम मुझे जहर ना दे दे। तुम मर्द कब बनोगे? ये बहती हुई नाक पहुंचो, अगर नहीं तो फिर गद्दी के आगे झुको और व्लादिमीर के नीचे रहने की आदत डाल लो। कम से कम खाना पीना तो चलता ही रहेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जिसको बाहर जाना है अपना सामान बांध लो, जल्दी करो। क्या हुआ तुम्हें? पहले उन्होंने गले लगाया, फिर मुझे दूर फेंका। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना मत रो, वो जगह कोई जेल नहीं है, वहां भी लोग रहते हैं। तुम्हें ये सब करने से डर नहीं लगता? उम्मीद है कि तुम जहां पर जा रही हो वहां लोग तुम्हें पसंद करें। मैं भाग जाऊंगी। भाग जाओगी? मैंने सोचा था वो मेरे लिए वहां आएंगे,
और मुझे बचाएंगे, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। उन्हें भूल जाओ और अपने बारे में सोचो, खुशी से अपनी शुद्धि करवाओ, खुदा से दुआ करो और सुबह शाम तक काम करो। अगर वहां पर सब तुम्हें पसंद करेंगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जितना जल्दी हो सके अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगना उनसे। मतलब मुझे उन्हें भूलना होगा हमेशा के लिए? ओहो, बहुत जिद्दी हो तुम। बहादुर बनिए और हर चीज खुद से करना सीखिए, क्योंकि आप अकेली हैं जो हमारे अरमानों को अच्छे से समझती हैं। हमसे वादा करिए, वादा करिए कि आप अपना ध्यान रखेंगे, हम सब संभाल लेंगे यहाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमने दानियल को लाने के लिए लोग भेजे हैं। ऐसा क्यों किया? आपकी और व्लादिमीर की गैर हाजिरी में गद्दी के असली हकदार को रियासत में रहने दीजिए ना। बोरिस, योद्धाओं को इकट्ठा करो और दानियल को लेकर सीधा व्लादिमीर के पास पहुंचो। चलो जल्दी। चलो चले। क्यों खड़े हो? जाकर हमारे बेटे को लेकर आओ। तैयार हो जाओ, हम पेरेस्लाव जा रहे हैं। कैसे हैं भाईजान? इसे बिना रोक टोक के मस्जिद में घूमने की इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये क्या है? मैंने ये अजूबा पहले कभी नहीं देखा। ये पर्शियन व्यापारों की तरफ से तोहफा है महान खान की बेगम के लिए। उसकी बेगम? क्या वो बुजुर्ग नहीं हो गए? वो निकाह क्यों कर रहे हैं? खान के पास 2 बेगम और 300 रखेल हैं, पर अल्लाह ने उन्हें नया प्यार दिया है। क्या कोई इतनी बेगमें रख सकता है? जो भी अपनी हर बेगम को अपना अलग घर दे सकता है और अपने बच्चों के लिए खाना। काश हमारे मौलाना ये सुन पाते। क्या ये तुम्हारे लिए कुछ अलग है? हमारी पूरी जिंदगी में एक ही बेगम होती है। पर जब बेगम बूढ़ी और बदसूरत बन जाती है तब एक आदमी दूसरी बेगम बना सकता है ना? और आदमी भी तो बूढ़ा हो जाता है ना। हाँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा।
तुम मजाकिया हो। ये तुम्हारे लिए। ये तो किसी और को तोहफा है, क्या इससे खान की बेगम गुस्सा नहीं होंगी? नहीं, खान की बेगम बहुत दयालु हैं, वो गुस्सा नहीं होंगी। क्या तुम निकाह में आओगे? जरूर आऊंगा। मैं भी आऊंगी। तो फिर अब मुझे हौर्दे नहीं जाना। इतने दिनों में आज रात मुझे अच्छी नींद आई और सपना भी नहीं आया। इसका मतलब चांद के चेहरे वाली ऐजान के तुम्हारे मिलन से अल्लाह खुश हुए। मेरे वालिद साहब ने मुझे बालियां तब दी थी जब मैं 5 साल का था। रिवाजों के हिसाब से अगर तुम किसी बच्चे के कान 5 साल की उम्र में छिदवाते हो तो उसकी आंखों की नजर बुढ़ापे तक तेज रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ऐजान को दे दो। मैंने एक संतरा एक जवान रशियन आदमी को दिया आज। आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उस रूसी आदमी ने कुछ कहा? हाँ, पर वो गुलाम नहीं है। उसे सफेद मस्जिद पर चित्रकारी के लिए लाया गया है और वो निकाह में भी आएगा। मुझे माफ करना। महान खान ने तुम्हें ये बालियां तोहफे में दी हैं, ले लो खूबसूरत एहसान। वो चाहते हैं कि तुम इसे अपने बेटे को पहनाना जब वो 9 चांद और 5 साल का हो जाए। लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? खान की बेगम के लिए एक अच्छा सा तोहफा बना रहे हैं। हमें खुशी है कि तुम अब अपने होश में आ चुकी हो। रानी साहिबा बहुत दिनों से चुप हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बोरिस कुछ लोगों को अपने साथ लेके गया है। आपका हुक्म था कि बिना सेना के आपको रियासत नहीं छोड़नी है। आप सही थी राजकुमारी। राजकुमार के पास उनकी सेना और राजकुमारी फिदोर है। तुमने ठीक कहा। दो और नजर रखने वालों को सीमा पर भेज दो। जैसे ही वो लोग पहुंचे मुझे बता देना। जो आपका हुक्म राजकुमारी। क्या लड़कियों को भेज दिया? बस आज सुबह हमें उस शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूं अच्छा ही होगा। बड़ी चुप है बेचारी। रुक जा। सफर से थक गई होगी।
बाहर आ जाओ लड़की, डरो मत। कहाँ गई ये? ए ऊपर वाले, लड़की भाग गई है। क्या हुआ, कहाँ गई वो? क्या हुआ, कहाँ गई वो? उठ जाओ, मेंग्यू तिम्यूर आ रहे हैं। तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? मुस्कुराना बंद करो और अपनी आंखें ऊपर मत उठाना। शांत रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खान के सामने आंखें उठाने की?
हूँ।